आप बात नहीं करेंगे मैं नाराज़ हूँ मेरा दिल टूट आप बाकी ना हो जाएंगे <laughs> क्या हो जाऊँगा <laughs> मेरा दिल टूटा हुआ है वजी भाई किस बात सोचें है? आपका एक दोस्त हो और आप दोनों ने एक पैक बनाया कि यार हम शादी नहीं करेंगे करियर में सेट होंगे और फिर सोचेंगे शादी करने का और एक दिन आपको खबर आती है कि आपके दोस्त आपको कॉल करता है यार कोई मेरी डिग्री पूरी हो गई है कोई ख़ातून है नज़र में तो बताओ मेहरानो मैंने कहा यार हमारा क्या हुआ वो जो हमारी डील हुई थी कि हमने नहीं करनी है हमने पहले फोकस करना है फुल तीन चार साल तक जो है ना कुछ बनना है वजी भाई बात पक्की हो जाती है लोगों की बातें पक्की हो जाती हैं और अब, अब अब मेरा दिल इतना टूट गया बस अब मैंने नहीं करनी वजी भाई अब मैं इमाम बुखारी की तरह बस इल्म की राह पे चल पड़ूँगा मेरा दिल तोड़ दिया बॉय ने लेकिन देखिए सोच कि आप नहीं। एक बड़े भाई की तरह आप काफ़ी अरसे से आ, जो है किसी के ऊपर काम कर रहे हो किसी को सिखा रहे हो पढ़ा रहे हो और फिर भी वो शादी ना करे तो उस कितना दिल टूटता होगा सोचें पूरा गेम मेरे ऊपर डाल दी अच्छा इससे मुझे एक वाक़ याद आया जो बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस Uh, मेरे अंकल ने दी थी और यू uh, नो you know, शादी में स्टेज था वहाँ पर म्यूज़िक बहुत ज़ोर से बज रही थी और उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत एक इम्पोर्टेंट एडवाइस दी लेकिन वो म्यूज़िक इतनी लाउड थी कि मुझे वो पता नहीं कौन सी एडवाइस थी <laughs> आज आज जैसे वजी भाई लिबरल्स को एक्सपोज करते हैं ना आज मैं वजी भाई को एक्सपोज़ करूंगा वजी भाई ने जो मुझे मशवरे दिए थे कि जब शादियों की ये चीज़ें नहीं करना आज उसको हम... आप जरा क्लैरिफाई कर देंगे कि जो है ना आवाम है ना ने जंपिंग टू कंक्लूजंस तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है आ, शादी के लड्डू तो लड्डू आप लोग हैं या सलाम वालेकुम हसन को <laughs> वालेकुम सलाम कैसे हैं आप <laughs> अच्छा ये आप लोगों ने टॉपिक क्यों रखा शादी के लड्डू मैंने रखा किस लिए लेकिन गलत मत समझिएगा एक भाई लाल, हमारे लाल, उनकी लाल कलर की, की शर्ट पहनी है सबसे ज्यादा जो है ना शादी के मुतालिक बात भी ये करता है ठीक है सबसे शादी सब 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 के टॉपिक बोलता भी यही है कॉन्वर्सेशन और जोक शादी इसी की होता है जोक्स होते हैं लेकिन शादी की बात मैं सबसे कम करता हूँ मैंने कहा कि मैं भाई के साथ जो है ना दोनों जाएंगे मदीना यूनिवर्सिटी वहाँ से बैचलर्स इन शरिया करेंगे पता नहीं इल्म हासिल करेंगे फिर शादी क्या हो जाएगी कभी ना कभी बॉय ऑलमोस्ट बात पक्की हुई हुई है बॉय की सही है ऑलमोस्ट बात पक्की हुई है भाई आप आपकी आपकी गलत है नहीं है ना आपकी बेवकूफ़ी है ऐसा मौका कौन छोड़ता है <laughs> ये ये लड्डू जो खाए वो भी पछता है जो है? ना खाए वो भी पछता है चलो दोबारा बात वाला सुमा तला आपको जो है तो आज के टॉपिक से हम क्या अखस करना चाह रहे हैं क्या बात निकालना चाह रहे है? हैं जी भाई आप बताएं वैसे देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ देखिए मैरिज लाइफ से रिलेटेड ट्राई एंड इन्वेस्ट इन एन बिकॉज ये बात का की ख्वाहिश होती है कि वो एक ऐसे ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने लोगों को देख के सोचना शुरू किया होता है देखना शुरू किया होता है और uh, उन लोगों की जो फैसनेशन है ना वो मैरिज के मुतालिक एक बहुत अनरियलिस्टिक है और वो अनरियलिस्टिक इसलिए है बिकॉज हमारी सोसाइटी में ये बात सिखाई जाती है कि यार शादी होगी तो सारे मामलों दुरुस्त हो जाएंगे आपका अल्टीमेट गोल जो है ना वो शादी है और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए वी एज इंडिविजुल्स फर्स्ट हमें खुद ऐसा होना चाहिए जो शादी के लिए एक मटीरियल ख़ुद एक प्रॉपर हो हम खुद तो ढूंढते हैं किसी को लेकिन हम ख़ुद एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं बनने के लिए तैयार रहते और ऑफ कोर्स ये मैरिज चाहे आप कितने परफेक्ट इंडिविजुअल हो चाहे आप कितने पारसा नॉलेजेबल और बहुत ही मतखी परहेज़गार हो ये वो ऐसी गाड़ी है जो अकेले नहीं चलाई जाती यू नीड टू हैव अ कंपेनियन और उसमें रोल्स बहुत डिफाइंड है अगर रोल्स सही तरह से डिफाइंड नहीं होंगे तो जैसे सोरा यूसुफ में जो उन्होंने ख़्वाब देखा उसमें उन्होंने सूरज और चाँद और सितारों की बात की तो बहुत से स्कॉलर्स ने जो सोशियोलॉजी का सबक हासिल किया है कि देखिए कुछ ने बोला कि बाप जो है सूरज का रोल अदा करता है कि वो दिन को निकलता है वो उस रोशनी में सितारे नज़र नहीं आते चांद नज़र नहीं आता बिकॉज वो बाप का एक रोल बहुत नुमायाँ होता है और माँ जो है उस का घर में एक रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो फुल मून में सितारे उसमें भी नज़र नहीं आते और वो वो इतनी प्रोमिनंट होती है कि वो रात में सुकून और एक कंपैशन का काम कर रही होती है और बात में जो सूरज है वो बाप का रोल अदा कर रहा होता है लेकिन अगर ये दोनों रोल्स आपस में रिवर्स हो जाएं अगर चांद अपना रोल अदा ना करे और वो सूरज की जगह लेने की कोशिश करे या सूरज चांद की जगह लेने की कोशिश करे और रोल्स एक दूसरे के प्ले करने की कोशिश करें तो इसका नतीजा क्या होता है इसका नतीजा एक एकप्स होता है अंधेरा होता है एक बेचैनी होती है एक नैचुरल एक एक नैचुरल सा एक बिल्कुल एक सिनारीो था होता है तो मैरिज़ के बारे में हम बात करते हैं तो मैरिज़ से मुतालिक कोई आपको प्रिपेयर नहीं करेगा आपको इसे समझाएगा वो आपकी अपनी एक जर्नी होती है एंड अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बड़ा ज़रिया है ज़िंदगी में सुकून हासिल करने का आज बहुत बड़ा बेसकूनी का ज़रिया बना हुआ है वो जो लोगों को ज़िंदगी में सुकून देना होता है वो लोगों की बेसकूनी का ज़रिया बनते हैं तो अफकोर्स यू गाइज़ ए यंग एंड हम आपके ज़रिए इसी बहाने बताते हैं लोगों uh, 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 के देखिए यार डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग मैरिज इट कैन बी अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग इट कैन बी अ चैलेंजिंग थिंग एंड कुरान में अल्लाह सुमा तला आपको ये बताता है कि देखिए इवन द पीपल हु आर गोइंग टू बी क्लोजेस्ट टू यू जो आपसे करीब होंगे इट कैन बी अ चैलेंज दे कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक बट हाउ टू बबल टू डील विद दैम हाउ टू भी एबल टू मैंटेन यूर सैनिटी आपने अपनी जहनी सैनिटी को मेनटेन करना है बिकॉज अगर आप भी उसी में मैसअप हो गए तो फिर आपने भी वही मसला क्रिएट करना यू गोट इंक्रीज द प्रॉब्लम सो ऑन अ वेरी सीरियस अबाउट मैरिज इज समथिंग विच नीड्स टू बी यू नो वेरी मच यू नो टेक इन टर्म्स ऑफ कि आपने किस तरह से एक रिलेशनशिप को लेकर चलना है एंड इज नेवर गोइंग टू बी ओनली अबाउट यू the moment it becomes only about you problems arises because you're you're not only part of the equation. It's always either you your kids or you know, your family and uh, that's how happiness is there. Uh, if one is going to be is acting like fire, you be the water and constant struggle uh, nobody is going to teach you this. So yes, uh, marriage is a good thing. Marriage is a beautiful thing. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी यंगस्टर्स को इतने बुरे एग्जांपल्स हैं इतनी प्रॉब्लम्स हैं इतनी हर्डल्स हैं इतना डराया जाता है इतनी नेगेटिविटी दी जाती है इतनी प्रॉब्लम दी जाती है दैट दे डोंट वांट टू कमिट, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट एंड अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू रियलाइज़ कि आप इतनी देर कर दें कि कल को आपकी ज़िंदगी में इतनी uh, इतना डिले आ जाए इतना वैक्यूम क्रिएट हो जाए कि कल को आपको फिर ये एहसास करश आई शुड मे कैन दो लिया <laughs> बच्चों के साथ होता इन चीज़ों के साथ होता करियर के नाम पर मैं वो वैक्यूम अपनी ज़िंदगी में क्रिएट ना करता जो मुझे आज नाखुश कर रहा है और ये रियालिटी है ज़िंदगी का यू नीड टू भी टेक दिस डिसीजन एज सून एज पॉसिबल बट नॉट एज सोन एज पॉसिबल फॉर द सेक ऑफ टेकिंग डिसीजन बट है राइट इन इज द राम कल्चरली भी बहुत फ़र्क़ पड़ता है देखिए अगर आप हज़ार साल पुरानी जो लिमिटेशन उठाएंगे तो सिनारी डिफरेंट हैं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंटल मचोरिटी मुख्तलिफ है लोगों की अपब्रिंगिंग सोशल नॉर्म्स अलग हैं और इसी तरह से लोगों के सोशल कंसर्नस डिफरेंट हैं अगर आप सिर्फ शादी की बात करें तो देखिए हम तो बात करते हैं प्यूबर्टी की बट बात खाली प्योरिटी नहीं है बात रिस्पॉन्सिबल और एटीट्यूड और मचोरिटी भी है आ, मैं मर्दों के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ कि आज कल हमारे अक्सर मर्दों को बॉयज़ को उस तरह से आ, बड़ा ही नहीं किया जा रहा कि दे आर विलिंग टू तो बी एबल टू तो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको स्कूल्स में डाल देते हो स्कूल उनकी वो पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट करता ही नहीं है उनकी वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम ही नहीं करता उनको वो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड सिखाता ही नहीं है कि वो एक लड़का जब वो पच्चीस साल का भी हो जाता है तीस साल का भी हो जाता है तो उसकी वो पार्टी करने की और इन्जॉय करने की वो तरस उसके उसके अंदर इतनी होती है कि वो शायद शादी तो कर ले लेकिन शायद वो अपने एट द सेम टाइम वी अटैच सो मेनी थिंग्स टू बी अ कंप्लीट इंडिविजुअल कि घर इतना होना चाहिए सिक्स फिगर सैलरी होनी चाहिए इतना होना चाहिए कि uh, जिनका शादी से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है बट अनफॉर्चुनेटली हमने उसको ख़ुशी के साथ जोड़ लिया है तो हमें बात देखनी चाहिए कि देखिए अगर हम जब प्रिपेयर करेंगे अगर आप देखिए आज बच्चों को जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है नौकरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है उनको एक फैमिली स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए नहीं प्रिपेयर किया जाता है, तो ऑफकोर्स तो आपके पास वो डिलेज़ आएंगे और फिर आप ये देखिए कि देखिए उसके पास सेंस ऑफ मचोरिटी है माँ बाप उसको देखें कि उसके पास जो है वो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है कि वो किसी की जिम्मेदारी को ले सकता है तो वो उस स्टेप को उनको सपोर्ट करने में और एज़ अ फैमिली उसको आगे बढ़ाने में करें ताकि वो कम से कम बहुत सारी बुराइयों से दूर रहे और एट द सेम टाइम हम हमेशा ही बात बोलते हैं चाहे वो औरतें हों या बेसिकली मर्द हजरात हों वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुमा त ने आपके लिए एक ज़रूरत रखी है आपके लिए राहत और ख़ुशी का ज़रिया रखा हुआ है और वो तभी हासिल होगा जब आप उसको उस तरह से फंक्शन करने के ऊपर चलाएँगे उसको इस उस तरह से चलाएँगे जिस तरह से चलाने की ज़रूरत है अगर आप उसमें रोल अगर आप उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ऐड करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा एंड आई यू ओनली रियलाइज इट वैन यू बिकम अ फ़ादर वैन यू बिकम अ हजबेंड दैट हाउ इनकम्प्लीट यू विदाउट दीज इंडिविजुअल्स और आपको उनकी गैर मौजूदगी में एक एहसास होता है आपको रियलाइजेशन होती है कि यार आ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ मैं मैं एक टाइम गुजर रहा है आ, आपको आपको सिक्योरिटी दे देखिए मैं एक इंसान हूँ ना एक आदमी हूँ मेरे लिए कंप्लीट फील करना एक ये भी फीलिंग है कि मैं अपनी औलाद को सिक्योरिटी दे सकूं, अपनी वाइफ को सिक्योर। अगर मैं ये नहीं दे पाता आई विल नॉट फील अ कंप्लीट इंडिविजुअल आई विल नॉट फील लाइक अ मैन मेरी वो मैस्कुलिनिटी के ऊपर एक सवाल है कि यार हाउ एम आई नॉट एबल टू इट डज नॉट मैटर कि मैं उनको बहुत सारी चीज़ें दूँ बहुत uh, अव्वल और बहुत ही एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल दूँ बट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो मेरे कैरेक्टर को कंप्लीट करता है एंड इफ आई एम नॉट फुलफिलिंग दैट दिस टेल्स अ लॉट अबाउट माई रिस्पॉसिबिलिटी एंड अबाउट माई मैस्कुलिनिटी अबाउट माई माई पर्सनैलिटी तो वैन यू नॉट एबल टू डू दैट आप देखिए इसलिए लोगों को कि वो किस तरह से सुसाइडेड हो जाते हैं जब वो नहीं कर पाते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज़ वी कन्फ्यूज दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अल्लाह ने सवाल किससे पूछना है अपनी फैमिली का अपनी फैमिली को स्पिरिचुअली फिजिकली नरिशमेंट के हिसाब से इंटेलेक्चुअली किसकी जिम्मेदारी है वो वो सपोर्ट उसमें वाइफ भी कर सकती है उसमें और लोग भी कर सकते हैं बट किसकी इनिशियल जिम्मेदारी है कि यार यू द वन हु वाज़ मेड रिस्पांसिबल फॉर इट सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द हाइरा वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी क्लियर ऑफ इट यू मैरिज इज गोइंग टू बिकम अ करज फॉर यू बिकॉज यू आर एंटरिंग इन टू अयर यू नॉट अलाउ इन द ड्राइवर टू हैव कम्प्लीट कंट्रोल कंट्रोल से मुरा दिए कि वो अपना डिसीजन मेकिंग करें और बैक सीट ड्राइवर्स और बराबर के ड्राइवर आ कन्फ्यूज दैट पर्सन एट द सेम टाइम वो साथ बैठे हुए एक दूसरे से भैंस मुबासा करें तो छोटी सी गाड़ी जो एक सफर में ले जाने के लिए जरिया थी वो 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 ट्रैवलिंग टाइम आपके लिए एक मुसीबत बन जाता है तो नी टू अंडरस्टैंड के uh, हमें एजुकेट करें और उस दायरे में डालने से पहले एक सेंस ऑफ मेचोरिटी तो है एक का एटीट्यूड तो है अच्छा वजी भाई वट आर द थिंग्स दैट वन शुड लुक फॉर बिफोर गेटिंग मैरिड लाइक फॉर सिस्टर्स एंड फॉर ब्रदर्स एज वेल क्या वो चीज़ें हैं कि जो आ... मैं हंस हाँ इस बात में रहा हूँ कि तुमने जो ना इसको एक एक, एक आ, मैं ऐसा बताती हूँ सवाल के जैसे पता नहीं किसी एक्सपर्ट के सामने बैठ के कि वो बहुत ही एक गुरु बन गए और जो ना सवाल का जवाब नहीं बच भाई

हाउस जॉब भी स्टार्ट हो गई फिर क्लिनिक का भी अलहमदिल्ला साथ ही साथ में चल रहा था तो उन चीज़ों में इतना था फिर हैदर भाई भी सीट नहीं छोड़ रहे थे आजकल तो सियासतदान जो सीट के पीछे लगे हुए तो उन्होंने सीट छोड़ी तो हम आ गए फॉर सही, तो ये है बाकी रिगार्डिंग द टॉपिक मैं आई थिंक वैन इट कम्स टू मैरिज मैंने एक ये इस तरह का एक डलेमा समझने देखा है कि Uh, शादी शादी करने की बारी आती है तो हम बोलते हैं यार चलो अपनी आदतें सही कर लें और नेक पारसाँ बनना शुरू कर दें जो अपनी बुरी हैबिट्स हैं वो छोड़ें uh, लेकिन देखा जाए तो हमारा जो दीन है इट्स इट्स अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ मतलब इट्स नॉट जस्ट कि आप जस्ट टू गेट अ गुड पाउज आप जो है ना अपने आप को uh, अपना तजकिया स्टार्ट कर दें या अपनी आदतें मैनर्स या सही करें आई थिंक इट्स इट स्टार्ट वन वेन बचपन से स्टार्ट होता है मतलब बचपन से इवन पेरेंट्स जो हैं उनकी तरबियत जो करते हैं अच्छा अब आ, मैं, बात, बात को मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए अब माशाल्लाह से आ, आपका एक आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि देखिए शादी के लिए आप इवेंट को किस तरह से करवाएंगे चलिए इन आगे देखिए लेकिन आप मतलब किस तरह से इसको वेडिंग को कैरी फॉरवर्ड कराना चाहेंगे इसमें मैं ये कहूँगा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सबसे अच्छी जो है एक मैरिज वो है जो सबसे सादगी से की जाए उसका मफहोम बता रहा हूँ तो इसमें हम जब आते हैं तो काफ़ी देखने को मिलता है कि एक्स्ट्रा वेगेंस होती है और काफ़ी माल का ज़ाया होता है और लिट्रली हम उन लोगों को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं जो कि आगे आप जितना भी पैसा लगा लें उसके बाद भी वो तनकीद करके जाते हैं यार ये ये अच्छा नहीं था ये ऐसे हो जाता तो सही था तो पर्सनली आई वुड से कि बिल्कुल सिंपल एज सिंपल एज पॉसिबल क्योंकि हुँ. आप जितना उसमें मनी सेव आउट करेंगे वो आप अपने ऊपर स्पेंड करें अपने ऊपर स्पेंड करें अपने स्पाउस के वो स्पेंड करें समझ रहे हो अच्छा खामोशी <laughs> से सुन रहे हैं भाई आपको यू एक क्यूट पार्ट बताता हूँ आगे रिलेशनशिप एडवाइस ये नहीं ये गलत, <laughs> ये गलत ये गलत ये गलत केएफसी okay, में बैठे हुए बुद्ध से मांग रहे मैंने कहा बच्चे क्या मतलब ना 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 ये ये अपनी तरफ से टूस रही

बात यह कि कभी वो सबसे ज़्यादा जिंदगी में सिंगल होता है ना उससे ज़्यादा एडवाइस एड़... एड़... दे रहा होता है तो उन्होंने मुझे वो वाली कोट करने की कोशिश की जो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है कि सर कोच हमेशा बाहर खेलता है हाँ। फील्ड से मैंने बेटा कोच ने जिंदगी में कभी खेला होता है जब भी वो बाहर खड़े होकर जो है ना वो टीम को जो है ना इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है तो वेले की तरह वो बाहर खड़ा रहे कभी ना जिंदगी में खेला ना कुछ तो कोच नहीं होता फिर वो ना बाकी वो वाटर बॉय होता जो बैरिक बोल रहा होता है कि इस तरह से होता तो इस तरह से होता तो ये कि ना कि अफकोर्स देखिए मैं एक बात बताऊँ कि रिलेशनशिप एडवाइस देना देने वाले बहुत सारे लोग हैं और आ, से जो, जो हर किसी का जो चैलेंज है हर किसी का यू नो मैरिज पीपल मेक इट अ चैलेंज बट ये कि हर किसी का के डिफिकल्ट टास्क अलग है यू नॉट आप किसी रोबोट से शादी नहीं कर रहे हैं। कि आपने बोला कि चलो यार ऐसा किया तो ऐसा होगा वो इंसान एक इमोशनल बींग है जो इमोशनल बीइंग है उसके उसकी आदात हैं उसके तजुर्बात हैं उसके डिफरेंट नो चॉइसेस हैं प्रेफरेंसेस है एंड ये क्लाशेस चलते हैं एंड इट्स नॉट अ यूनिजन ऑफ टू परफेक्ट इंडिविजुअल्स बट यू नो टू पीपल ट्राई मेक अ परफेक्ट रिलेशनशिप टुगेदर तो अगर आप बहुत ही अनरियलिस्टिक ख्याल के साथ अगर शादी करेंगे yeah. तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी वजानबई uh, नकमतम के हमने आपके शुरू के अर्ली ईयर्स में एक्सट्रीम लव मोहब्बत होती है वो कितना कि बेस्ट हैबी अब हनी मून और होल्डिंग हैंड्स आई एम सो हैप्पी टू हैव यू मेरी जिंदगी में बस तुम्हारी ही कमी थी यू कम्पलीट मी और फिर बाद में जो वो जान जानू से जानवर तक का सफ़र <laughs> uh, जो है वो शुरू हो जाता है देन वो हनीमून पीरियड खत्म होता है एंड यू रियलाइज के जैसे यू नो वोकल अबाउट द चॉइसेस और uh, पहले तो वो कोई मूवी तो नहीं है ना कि जलेबी रोटी भी खा रहे हैं बाद में लगे ये तुम्हारी अम्मनी सिखाया थे अफकोर्स यू डोट डू दैट बड़ी कि मैं सीरीसो बोल रहा कि देखिए दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं और वो चीज़ें आती हैं एंड इसमें सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है जो कि बहुत दफ़ा सिंपल सोलूशन होने के बावजूद नहीं होता एंड आपने You know, you need to be able to communicate, you need to be able to uh, talk out, you need to be able to uh, calmly uh, you know, sit down and uh, make it a issue for yourself. That center of concern. Kya? Are you here just because you have a compromise together? Are you doing it for the sake of Allah? Are your children your centre of concern? If, if, if you a center of concern then then you Uh, जो पिट्ठू खेलते थे ना mm -hmm. तो वो आप उसी तरह से मारते रहोगे तो जिसका लग गया नहीं लगा तो लाइक आई आई मी नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू गिव मैरिज एडवाइस बिकॉज देखिए इट्स लाइक अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी वन जिंदगी का आ, उतार चढ़ाव मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ है तो मैं आप लोग माशा से कहता हूँ देखिए इट्स लाइक अ जर्नी कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को बेसिक एलिमेंट पे समझने की ज़रूरत है बट ऑलवेज़ ऑलवेज़ मैं हम शायद बात बताऊँ डोंट गेट मैरिड फॉर द सेक ऑफ़ गेटिंग मैरिड आपको शादी इसलिए नहीं करनी क्योंकि आप बोले माँ बाप पीछे पड़े हुए हैं या आपने बोला यार आई एम गेटिंग मैरिड बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड आई वॉन्ट गेट मैरिड बिकॉज मुझे एक बहुत ही ब्यूटिफुल फेसबुक मेमरी बनानी है uh, मुझे शादी इसलिए करनी है बिकॉज या जिंदगी में काम नहीं करना यार बैठ के वो वो करना हो या मैं, वजी भाई आपने बात की है ना पर्पज की कि हम कभी कभी जिंदगी में कोई भी काम जब आप किसी प्लानिंग uh, या पर्पज के बगैर करेंगे ना तो वो इवेंचुअली फेल होगा ठीक है स्पेशली जब इस तरह के बड़े डिसीजन आपकी ज़िंदगी के हों कि यू आर गेटिंग मैरिड टू समन सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप खुद को जानें हु एम आई वट इज़ इट दैट आई वॉन्ट वट इज़ इट दैट आई एम लुकिंग फॉर इन अ पार्टनर हम कभी कभी ये करते हैं कि हमें कोई uh, देखने में पसंद आ जाता है और हम बोलते हैं नहीं बस इसी से शादी करो आपने उससे बात तक नहीं की आपने उससे uh, पहले पहले कंपैटिबिलिटी तो इस्टेब्लिश करो देखो कंपैटिबल हो या नहीं हो पेरेंट्स के पास जाओ uh, फाइनेंशली कंपैटेबल हो इंटेलेक्चुअली कम्पैटल हो हम ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं अच्छा और सवाल यही होता है ना कि लोग फिर कहते हैं कैसे देखेंगे कंपैटेबल कैसा है तो सवाल यही करते हैं देखिए आपने कोई ऐसा तो नहीं दुनियावी तौर पे शादी कर रहे हैं कि आप बोलेंगे कि यार हैंग आउट करते हैं बाहर जाते हैं खाने पे सिनेमा पे मूवी देखने के लिए जाते हैं डेट्स लगाते हैं बाद में बोलेंगे आई एम सॉरी डेंट आउट वजह भी कम्पैटिलिटी दो इंसानों की सिर्फ नहीं होती ना आप फैमिली से भी काफ़ी कुछ पता लगा लेते तो अब ऑब्वियसली अगर एक कोई मिडिल क्लास का बंदा किसी हाई क्लास की खातून से शादी करेगा तो नेचुरली ना वो कंपैटिबिलिटी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी तो एटलीस्ट नहीं है ये उस में नहीं है। भी हो जाती है अगर आपकी जहन में जो है ना वो सत है मैं बात बताऊं फाइनेंशियल कंपेटेबिलिटी बिकम्स प्रॉब्लम जब आपको आपकी जो है ना दिमाग में अब आपने फाइनेंशियल आस्पेक्ट से आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि यार मैं बस मेरी मेरा लाइफ स्टाइल ये mm -hmm. है और मैं स्टैंडर्न कैसे पीछे नहीं आ सकता और तुम जो बिकॉज अगर आपके लिए देखिए अगर अबाउट कम्फर्ट इफ इट्स अबाउट क्वालिटी दैन बोथ आर वर्किंग ऑन अ वेरी गुड क्वालिटी लाइफ स्टाइल एन दिस द स्ट्रगल इज गंग टू बी देर आपका एक मैरिज में एक अल्लाह सुबहाना तै ने यह जो मशक्क़़़़ है ना ये रखी हुई है कि आदम को शुरू में यही कहा था कि अगर तुमने अल्लाह सुबहाना तला इन जो अहकाम हैं इसको अगर नहीं फॉलो किया तो तुम्हारी ज़िंदगी में मशक्कत होगी और मशक्क़त यही है दैट यू हैव योर स्पाउस अटैच विद यू इन योर लाइफ आपको दुनिया में इस चीज़ की मशक्कत की उनको फाइनेंशली प्रोवाइड करना है उनकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उनकी ज़िंदगी में उनकी नेचर को समझना है इट गोज बोथ वेज द पॉइंट इज़ के लॉड ऑफ पीपल साउंड टू एक्सपर्ट इवन बिफोर गेटिंग इन टू द फील्ड एंड दैन दे आर टोटली डिफरेंट डिलूजन के ये दिस वज नॉट हाउ आई एक्सपेक्टेडेड तो मैरिज खाली ये नहीं है कि आपका फाइनेंशियल कस फाइनेंशियल एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यू विल बी एबल टू इन्जॉय लाइफ यू विलवल यू विल भी एबल टू कीप योर चिल्ड्रेन यू नो वेल एजुकेटेड अगर आपके पास फाइनेंशियल है लेकिन अगर आपकी अनरियलिस्टिक डिमांड है ना कि देखिए मैं तो बस गुची का बैग ही लेने वाला हूँ और मेरे जो है मतलब इससे में नहीं आने तो ये फिर आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा लेकिन आपने अगर मेंटल uh, कैपेसिटी को मैच करने की बात की अंडरस्टैंडिंग हो के लेस ठीक है आपकी और मेरी प्रेफरेंस अलग है चीज़ों में बट एट द सेम टाइम वी अग्री टू नॉट मेक इट एन इशू कुछ चीज़ों पे वायलड डिसएग्रीमेंट की जा सकती है सफ़ाई पे की जा सकती है चीज़ों के बारे में ऑर्गेनाइज रखने पर की जाती है बट जब आप बहुत ज़्यादा ये करना शुरू करते हैं ना कि नहीं हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए वेन यू मेक एवरी अबाउट योर सेल्फ दैट दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट इट तो फिर एक दूसरे के लिए बहुत उस चीज के ऊपर लिव अप करना तो दोनों बेस पे वे 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 कह रहा हूँ लेट्स नॉट मेक इट अबाउट सेल्फ मेक इट अबाउट अस एंड इट्स नॉट इजी ये बोलने के पर्पस बहुत शुरू में सही होता है बाद में कभी कभार बहुत अप एंड डाउन आ जाते हैं बड़े आप लाइक कि ना टू डिफरेंट चैलेंजेस पार्टनर्स डिफिकल्ट होते हैं hmm. बहुत सारे परसेप्शन गलत दिया हुआ होता है ना हमें शादी का हमें तो बड़ा एक फेरी टेल एक बड़ी अच्छी स्टोरी से एवर आफ्टर।, आफ्टर की और मतलब इट इज ऑल अबाउट यू एक सेल्फिश नरेटिव ऑफ मैरिज हमें दी जाती है कि शादी कर लोगे ये भी हो जाएगा लेकिन जो उसकी हकीकत है जो वो मिसकनसप्शन हमारे अंदर एक चाहे वो मूवीज़ से आई हो चाहे वो लोगों से आई हो चाहे वो स्टोरी से आई हो वो एक डेवलप हो चुकी है हम समझते हैं कि शादी जो है ना बस वो वो इन्फेचुएशन का जो फेज़ होता है जो आपने बात की ना शुरू के जो मोहब्बत का फ़ेज़ होता है हम समझते हैं शादी जो है ना बस ये है कि एक स्टेगनेंट वो है और इस तरह चलती है अप्स डाउन होते हैं और वेन आई से कम्पैटबिलिटी वजी भाई इस्लाम ने आपको इतनी तो इजाज़त दी है कि आप महरम की मौजूदगी में एक एक क्वेश्चन एक एयर बना दो और आप पूछो अपने स्पाउस टू बी से कि आपका विजन क्या है अब उनका विजन ज़िंदगी में बिल्कुल ही डिफरेंट है उनकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट और आपकी प्रायोरिटीज़ 180 डिग्री डिफरेंट है तो दिस इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू फेल विजन विजन पूछने से ख़ाली दूसरे का विजन मालूम नहीं करना है hmm. कभी कर आपने जो है अपने विजन को भी उसी के इन लाइन रखना पड़ता है बहुत से लोग चाहते हैं कि सामने वाला दीन पर हो लेकिन आप ख़ुद भी इतना दीन पर नहीं आते देखिए दीन की का जो कैप्सूल है ना वो वहीं काम करेगा जब आपने आपको उस डस्बिन से दूर रखोगे अब आप वो दीन का आप पे ले भी रहे हो देने की बात भी करो लेकिन अपने आप को उस डस्बिन से दूर नहीं रख रहे तो इट हैज़ टू वर्क बोथ टुगेदर देखिए दोनों एक दूसरे का लिबास हैं दोनों एक दूसरे का लिबास हैं और वो लिबास का काम नहीं अदा करेंगे वो लिबास जो है वो हराम की कमाई से ना हो वो लिबास एक दूसरे की जो शॉर्ट कमिंग्स हो उसको छुपाने के लिए हो वो लिबास एक दूसरे को ब्यूटिफाई और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हो वो लिबास एक दूसरे की जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने के लिए सेल्फ़ इस्टीम को बढ़ाने के लिए हो तो अल्लाह सुबहाना तौला ने ऐसी थोड़ी कहा है कि तुम तो एक दूसरे का लिबास हो तो वो लिबास क्या रोल प्ले करता है आप जब किसी दावत में जाते हैं तो वो बेहतरीन लिबास क्यों पहनते हैं तो उस वक्त आपका जो स्पाउस है जो आपकी बीवी है आपका हस्बैंड है वो आपके लिए उधर उस माहौल में आपके लिए इज़्ज़त का मामला बने अगर आप किसी आ, प्रोफेशनल में जा रहे हैं तो वो आपके लिए वहाँ पे उस एन्वायारमेंट में आपके लिए कॉम्प्लीमेंटिंग सोर्स बने तो लिबास आपकी खूबसूरती भी है आपके ऐब भी छुपाता है आ, किसी को नहीं पता होता कि आपके आपके क्या ऐब हैं तो लेकिन वो आपका लिबास आपकी उन ऐबों को छुपाता है और ये कांस्टेंट रिमाइंडर होता है कि देखिए ये आपके लिए नहीं एक तरह से नहीं होगा ये दोनों दोनों करेंगे और अप एंड डाउन आते हैं आ, सहाबा की ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्स थे मैरिज़ सक्सेसफुल नहीं हुई रसूल सल्ला वसम की जो वाइफ के साथ थे जो आ, जो महातुलमोमिन थी उनके डिफरेंट नेचर्स थे उनके अपने कॉन्फ्लिक्स होते थे ये सिखाने के लिए कि देखिए मेन एंड वमेन आर डिफरेंट Uh, उनकी इमोशंस डिफरेंट हैं उनकी रिक्वायरमेंट उनको uh, ज़बरदस्ती एक हस्बैंड सीधा करने की कोशिश करे वाइफ को इट्स लाइक अ यू नो द मोर इट्स गोइंग टू बी फोर्स्ड उतनी ही उसमें uh, टेढ़ापन आएगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू वी टैकल इट एवरी वॉर इज़ नॉट टू बी फॉट हर हर चीज़ को करेक्ट और हर चीज़ को लड़ा नहीं जाता mm -hmm. कुछ चीज़ों को बाद में दुरुस्त करने की कोशिश की जाती जब लोग सुनने के लिए तैयार हों बट कॉन्फ्लिक्स हमारी मैरिजेज में इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे शादियों में जो है ना वो प्यार का वो अलग एलिमेंट नहीं होता आप प्यार है क्या पहले ये समझ लीजिए प्या, प्यार है ठीक <laughs> है, है। आ, प्यार वो है जो आ, बस नहीं सकता दे है। भी बताएं, बताएं। देखिए प्यार टाइम के साथ ग्रो होता है प्यार एकदम नहीं होता प्यार के लिए आपने कोशिश करनी होती है प्यार वो दरख्तों के आसपास गाने गाने और गाड़ियों के बाहर निकल के सिंकुनज अंदाज में लोगों का डांस करना नहीं है आ, प्यार खाली एक दूसरे के साथ खुशी के मौके पर साथ देना नहीं है प्यार इज अबाउट सपोर्ट प्यार इज़ अबाउट स्ट्रगलिंग टुगेदर प्यार इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग टुगेदर प्यार इज़ अबाउट रिस्पेक्टिंग वन अनादर प्यार इज़ अबाउट यू नो बींग देर and sincere with one another even when times are difficult it's about commitment it's about being transparent it's about you know uh, I, I will try my best to be a, a person who has many faults but I would want to be uh, you know uh, there and sincere for my uh, wife at the same time uh, as a human being my requirement है. मैं कोई धर्मेंद्र मूवी का वो नहीं हूँ कि अमिताभ के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया बट मेरी अपनी ज़रूरियात हैं वाई बिकॉज़ इफ़ आई डोंट अलाउ हैपीनस टू कम विद इन मी आई विल नॉट बी एबल टू केयर हम जिंदगी में लोगों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास होता है अगर हमारे पास नफरत है तो हम नफरत दे सकते हैं हमारे पास अगर जजमेंटल एटीट्यूड हम जजमेंटल एटीट्यूड देंगे अगर हम लोगों की के अंदर नेगेटिविटी देते हैं हमारे पास नेगेटिविटी है हम वो देंगे जो हमारे पास है हम लोगों को पॉजिटिविटी दें लोगों को अपलिफ्ट करने वाली बात करें sure. लोगों की सेल्फ स्टीम पे काम करें लोगों के साथ सपोर्टिंग रहे एंड आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट ईजी फॉर वाइव दे हैव टू बी वेरी यू नो सेक्रीफाइस करना पड़ता है स्पेशली जो दुआत होते हैं जो काम में इन्वॉल्व होते हैं बट ये इट वर्क टुगेदर यू वर्क एंड यू गो आउट टू द वे फॉर द अदर पर्सन यू गो आउट द वे ऑन रेगुलर बेसिस एंड इफ़ यू नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इफ यू नॉट विलिंग टू मेक एन एफर्ट टू रिन्यू दैट लव एट टाइम्स होगा और क्योंकि आपने मान देखे देख लेना है ना कि शैतान लगा हुआ है शैतान mm -hmm. तो मौका उठाएगा होता है कभी कभार इट डजेंट मेक सेंस इट डजेंट मेक सेंस वाई और वाइफ इज अपटिट्यू इट डजेंट मेक सेंस वाई यू नो यू डोंट फील लाइक टॉकिंग एट टाइम्स देर सो मैनी थिंगस बट यू फॉल डाउन ई गेट अपॉल डाउन ई गेट अपट टाइम्स आपको दिल करता है ना बात करें ये रियालिटी है यू नो फील लाइक आपको कभी बहुत चीज़ बुरी लगती है आपको बहुत बुरा भी लगता है ऐसा नहीं होता कि कोई आसमान से उतरा है और कुछ चीज़ें नहीं होती लोगों की चीज़ें आदतें बुरी लगती हैं बट यू लर्न टू बी टूगैदर दिन ऑफ द डे कोई मजाक तो नहीं है ना कि आपने बोला कि नहीं चलो यार नहीं हो रहा मुझसे छोड़ दो अनलेस इट्स्यूजिव रिलेशनशिप इट्स रियली टेकिंग अ टोल ऑन यू इट्स लाइक वेरी टॉक्सिक एंड यू नो आपने बट यू वर्क ऑन इट यार Uh, you, you don't have this in in this current generation. They're sure. too about themselves. They're too much about themselves. You you आप अपने से निकले ही नहीं हो आपकी तीस पैंतीस साल की जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात तमन्नाएँ ख़त्म नहीं हुई हैं आप समझ रहे हो कि आपने सारी जिंदगी में यहीं पे ख़त्म करना है तो आप उस दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बस आपकी ख्वाहिशात में लग जाए आपकी तमन्ना में लग जाए आपकी ही रिक्वायरमेंट में लग जाए इट्स यू नेवर अलाउड दिस रिलेशनशिप टू बिकम अबाउट अस रदर दैन इट इज़ ऑलवेज अबाउट यू तो नहीं होता कभी इस तरह से चीज कुदरती तौर पे अल्लाह ने दाखिल की हुई थी आपने उसको खुद छोड़ा है ना ये आप और मैं रिस्पांसिबल है ये बात कर रहे थे कि जाना की ये नहीं होगा वो नहीं होगा आप शादी करने पे आएंगे तो बहुत सी चीजें इन हो जाती हैं क्या ज़रूरी है यार एक दफ़ा तो शादी होती है या ऐसे करो चलो या फलाँ वो ले लो मैं ये गिफ्ट नहीं लूँगा वो गिफ्ट ले लेते हैं बहुत से लोगों को करना पड़ता है ऐसी बात भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे कि परवाह नहीं करनी कुछ हद तक लोगों को मिला के चलना पड़ता है ताकि वो मैं ये नहीं कह रहा कि नाजायज़ की बात की जाए लेकिन कभी कभार आपने थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है कोई आप कोई रोबोटिक ज़िंदगी नहीं जी रहे आपने बहुत सारे लोगों को लेके चलना पड़ता है अपनी खुशी में शामिल करना पड़ता है लोगों को अहमियत देनी पड़ती है और उसके साथ साथ लोगों के साथ तल्लु होते हैं अगर आप शादी शुदा खाली मियाँ बी भी, भी जिंदगी गुजार रहे हैं और उनको तल्लत लोगों के साथ ना रहे तो आप वो फैमिली की और मैरिज की वो एलिमेंट को नहीं हासिल कर सकोगे क्योंकि लोगों से मिलना मिलाना बी पार्ट ऑफ दैट गैदरिंग लोगों के साथ खुशियाँ हैं लोग पता है किसके पास खुशी का बुलाना है ये सब लोग आपकी ज़िंदगी में एक इंपॉर्टेंस क्रिएट रहते हैं सिला रहमी है एक दूसरे के खानदान वालों के साथ मिलना आ, मिलाना है आ, मेल जोल रखना ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी औलाद आएगी तो फिर आपको ये बात का एहसास होगा ये आर माई फैमिली नीड्स टू माई किड्स नीड टू हैव फैमिली सर्कल बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक आई आई सेड एम पार्ट ऑफ दैट जर्नी एंड वी वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट एंड जस्ट लर्निंग वजह इसमें जो हम बात कर रहे थे पहले कंपेटबिलिटी की और हाउ uh, हाउ यानी टू डिफरेंट बिल्कुल एट टाइम्स तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट यानी एक घर का घराना एक घर घर का एक अलग सिस्टम होता है एक अलग आदतें होती हैं आपस में वो जहर एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो तो ऑफकोर्स डिफरेंसेस uh, तो होंगी लेकिन उसमें वही चीज़ है कि आप कौन कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है कौन कितना ज़्यादा कंप्लाइंट होता है कि वो स्पेस दे अगले बंदे को अग, अगले जो आपका पोटेंशल मतलब जो स्पाउस है तो उसमें फिर ये होता है कि गिव एंड टेक वाले रूल की जो हम बात करते और तो जो आपने पहले भी एक आप, आपका एक बड़े मशहूर वीडियो हुआ था जिसमें आपने बताया था कि क्यों डिवोर्सेज इतना आधा हाई देखुण रेट पर <laughs> <मजीवगी>। <laughs> <जीवगी। laughs> <जीवगी। laughs> तो उसने आपने बात की थी कि जो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते गिव एंड टेक रूल हम उसको यानी है ना कि आप जहरा एक बंदा है उससे मिस्टेक हो गई लेट से तो आप अगला बंदा उसको नहीं अगर मिस्टेक कर दिए तो आप आप बड़ा पन शो करो आप आप बताओ कि यार बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्पाउस मैं उसको ठीक है आई ओवर लोकेट और फिर अगली दफ़ा क्या होगा जब वो ये चीज़ बाद में रियलाइज़ करेगा ना कि उसने मेरी जो मिस्टेक थी उसने उस उस, उस पर मुझे अकाउंटेबल नहीं ठहराया तो वो नेक्स्ट टाइम वो फॉर करेगा तो बट बींग प्रैक्टिकल हसन में ये बात बोल रहा ना कि ये बात सुनने में अच्छी लगती हैं बट बताओ प्रैक्टिकल लेवल आपका एक थ्रेश है मेरा एक थ्रेश है हम कोई चीज़ भी मार्केट से लेते हैं ना तो हम अपनी उस पछतावे को अपनी मिस्टेक को या उसके अंदर जो खामी है ना उसको कम से कम होने की कोशिश करते हैं आप एक हद तक कॉम्प्रोमाइज करोगे अगर दूसरा नहीं समझ रहा एंड दे टेक यू फॉर ग्रांटेड देर इज गोइंग टू बर्स्ट आउट तो, तो, तो वो आप आप आपने आपने वारे, वारे, ना कम्युनिकेशन वाली कि कम्यु... कभी का कम्युनिकेशन से भी फर्क नहीं पड़ता अच्छा। आप इज वन पर्सन दूसरा आदमी करता ही नहीं कम्युनिकेट रिसीविंग एंड पे होते मैं बात बोल रहा देखिए इसीलिए आप जब शादी कर रहे होते हैं ना तो आप ये एलिमेंट देखना पड़ता है कि आप देखिए डिफिकल्टी आएगी प्रॉब्लम आएगी लेकिन आपने इस चक्कर में कि यार डिफिकल्टी आएगी कॉम्प्रोमाइज करना होगा फलाना वो करना होगा आप बिल्कुल ही कैजुअली पार्टनर सेलेक्ट कर लें आपने देखना होता है कि चलो यार मेरे हिसाब से जितना शरीयत के दायरे में रहते हुए मैं इन चीजों को देखूँ अल्लाह सुबहाना ताली से इस्तारा करूँ अल्लाह सुबाना तला से दुआ करूँ और अपने आप को एक मतकी और परहेजगार वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँ और मैं देखूँ कि उसके अंदर ये एलिमेंट्स तो नहीं हैं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मुझे एक एक अलार्मिंग लगे कि यार ये चीज़ बदतमीज़ी का मामला है गुस्से का मामला है या सख्त मिजाजी का मामला है कि मैं उसके साथ जो है ना फिर बाद में पता चला कि जब वो हुई तो मेरे लिए एक पॉइंट आया कि मैं ख़ुद भी वैसा बन गया बिकॉज देखिए एक दो फल होते हैं ना एक फल लगा Uh, सड़ा होता है तो उसके साथ दूसरा फल भी लगा हुआ वो उस उस, उस आ, जो सड़ने को है वो कैच कर लेता है mm -hmm. तो यू हैव टू ऑल्सो सी कि यार हाउ मच ऑफ कॉम्प्रोमाइज वन पर्सन कैन डू इसलिए बहुत बातें बाते तो शायद हम ये करते हैं mm -hmm. और बहुत प्रैक्ट बहुत रियलिस्टिक बात है लेकिन ऑन रियल वर्ल्ड इफ इट्स जस्ट वन पर्सन डूइंग इट कभी नहीं होगा इट्स गोइंग टू बी ए पॉइंट कि आप एक पॉइंट पे खुद बुरे बन जाओगे Uh, और आप नहीं कर पाओगे एंड देर सो मैनी पीपल की शादी वर्क आउट बिकॉज पीपल आर डिफरेंट वी नीड टू प्रोमोट मोर मैरिजेस एंड लेस डिज इट्स नॉट समथिंग बैड टू हैव अ डिवोर्स बट द आर हैपनिंग दैट्स बैड दिवोर्सिस वन हुफर किड्स बहुत सोसाइटी uh, आपकी सोसाइटी में मैं बताऊँ आपको बताऊँ एक आप लोग बात नहीं करते मैंटल uh, हेल्थ uh, uh, और आदमी ये बात याद रखिए देखिए वो uh, जो शादी करता है ना ठीक है एंड आई स्पीक फॉर दू नो ऑन बिहाफ अ मैन वो सुकून देखता है वो नहीं चाहता देखिए सम बड़ी सदस ऑन अ वेरी जनरल लेवल तो नहीं लेकिन एक आपने अगर देखिए इफ यू हैव टू चूज बिटवीन लव एंड रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज अगर एक चीज में करना है तो कॉम्प्रोमाइज लव डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन रिस्पेक्ट बिकॉज अगर आप घर पर आओगे मे द पर्सन मे लव यू बट उसके पास रिस्पेक्ट नहीं है hmm. तो वो आपका घर में रहना आपको कॉन्स्टेंटली कि आई वुडेंट लाइक इट अगर मैं घर पे जाऊँ तो मुझे कॉन्स्टेंटली एक बहस मुबासा जहन को उलझाने का काम करना हो आई वुड वॉन्ट टू बी एट होम मैं घर से बाहर जाने के ख्याल नहीं रखूँगा एंड सेम वो ऐसा आदमियों आए और गुस्सा करे और चीख पुकार करे और ये क्यों नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ ग्लास ऐसी क्यों नहीं है फला ऐसा क्यों नहीं है चप्पलें उल्टी क्यों है फल वो तो कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग पुटिंग दी अदर पर्सन ऑन दोल इज़ गोइंग टू टेक अ टोल ऑन दी अदर पर्सन इज़ बाय तो आप अगर जो सामने वाला है उससे सुकून ढूँढ रहे हो तो आप देखते हो कि मेरा घर में मेरे बच्चे दुरुस्त हैं मेरे घर में सफाई है मेरे घर में चीज़ें हैं मैं ये नहीं कह रहा कि वो मासी मुसीबती लेकर आएँ बट यू नो शी इज़ द क्वीन ऑफ द हाउस एंड द सेम वे विमेन लुक फॉर सिक्योरिटी द ये आदमी कैन प्रोटेक्ट मी ही कैन स्टैंड अप फॉर मी अगर मदर इन लॉ ने मेरे साथ नाजायज़ किया तो माई हजबैंड इज नॉट गोइंट टू लाइक स्टे क्वाइट इज टू लाइक यू नो बी एबल टू डिफेंड मी ही इज गन टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ़ माई किड्स और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी मैरिज में वो अगर बंदा नहीं ले रहा तो आप क्या करोगे उस मैरिज का फिर वो साथ में बैठना ही है वो जिनसी ताल्लुक तो नहीं है ना खाली एट टाइम्स इट्स अ स्परिचुअल बॉन्ड इट्स इट्स इंटेलेक्चुअल इट्स इमोशनल इट्स आपका सिर्फ जिसमानी बॉन्ड बिकॉज आप समझते हो कि मैरिज करोगे तो शादी करोगे तो आप फितनों से महफूज रहोगे लेकिन आपने अपने कोर पे काम नहीं किया तो फिर आप शादी के बाद भी फितनों में मुलिस हो गए कहते हैं ना कि फितनों में हैं फित आज कल ये भी सुनने में आता है पूर्ण में मसले मसाइल में शादी करा दो मसला हल हो जाएगा अच्छा मुझे बात बताओ मैं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जाना कि मैं कोई गुरु बैठ के जाना भी सुन सुन रहे होंगी ना बाद में बोलेंगे यार ये मतलब अ uh, <laughs> वो <ना> बातें सुनो <laughs> पहले मौलवी की सिर्फ बातें ही सुना बिकता है मार्केट अल्लाह नहीं पर ये यस इट इज यू नो आप पहले इस बात से तो निकलो ना नो बडी कैन बी अफेक्ट हजबेंड और परफेक्ट वाइफ यार बिल्कुल ऐसे चलता है यार वैसे वजीफ भाई अगर आप लत से किसी किसी के साथ सीरियस हो और आप, आप की इंटेंशन हो कि आपने शादी करनी है तो सलाम दुआ तक तो

राइट यू डूज योर ब्रदर एंड सिस्टर्स आपने भाई बहन पसंद नहीं करते अल्लाह तभी होता है लेकिन आप पार्टनर अपनी जिंदगी में जरूर पसंद करते हैं लेकिन आप वो पार्टनर पसंद करने के लिए आप किसको अलाउ कर रहे हैं कि आप सारी जिंदगी उसके साथ शेयर करेंगे True. आपकी सारी जिंदगी है आपकी सारी जिंदगी का उठना बैठना है आप कोई घर पर आके पी एस फाइव खेलना नहीं शुरू कर देंगे <laughs> अगर खेलना भी शुरू करेंगे तो उसको साथ खेलने वाली हो ठीक hmm. है मतलब ये कि आप साथ में इंजॉयमेंट करने वाले हो एट hmm. टाइम्स होता है यू वॉन्ट योर स्पेस इट्स गुड द अदर पर्सन शुड अलाउ यू टू हैव योर स्पेस एट टाइम्स जैसे मैं हूँ एट टाइम्स आई डू वॉन्ट टू थिंक आई टू द जिम आई टेक टाइम टू थिंक एंड आई रिजूवन आई गैदर अप माई एनर्जी बिकॉज देखिए हमारा जो टाइम है ना हमें बड़ी लोगों की नेगेटिविटी बर्दाश्त करनी पड़ती है हमें लोगों की hmm. एक तो आप दीन के साथ होते हो फिर आपका काम होता है फिर आपकी हज़ार बातें होती हैं लोग जजमेंटल अबाउट यू कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता फिर रिलीजियस यू नो काम में आपके अपने भाई होते हैं जो आप बहुत सारे इश्यूज होते हैं जेलसी uh, होती है कॉन्फ्लिक्स होते हैं बातें होती हैं यू गो थ्रू सो मच द डे यू नो यू नीड टाइम टू बी एबल टू गैदर अप एवरी थिंग एंड वैन यू गो होम यू डोट मेक दम पार्ट ऑफ दिस नेगेटिविटी यू गिव दम पॉजिटिविटी तो वो आपने गैदर अप करना पड़ता है तो बिलीवर के लिए कोई मामला आसान नहीं है वो अपने आप को संभालता है वो अपने आप को संभालता है एक जो मर्द होता है ना देखिए मैं बात करता हूँ कि सब लोग अफेंड होंगे इस बात पर लेकिन होते भी हैं तो क्या करूँ लेकिन एक मर्द की बात देखिए मर्दानगी जो है ना जो बात दीन ने कही है मर्दानगी पिलर की तरह खड़ा रहता है वो वो पिलर की तरह खड़ा रहता है क्योंकि जब बच्चे और बीवी उसको देखेंगे ना टूटते हो तो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे True. और ये बात मैं आपको बताऊँ ये कोई ये वाली बातें की जाती है ना कि रोना शुरू कर दो ये बातें कर दो नहीं आप क्यों कुदरत से वो कर रहा? ठीक है बात करें कम्युनिकेट करें मैं ये मना नहीं कर रहा बट यू नो द पार्ट ऑफ दैट रजोलियत इज के जे ना कि नो मैटर वट द शील्ड इफ आई वी कैन डाउन माई फैमिली इज गोइंग टू ब्रेक डाउन बट येस जहाँ पे जरूरी है उसको बात करें लेकिन एक ये आपको एक कोई फ्लफी पिंक टेडी बेयर नहीं हो आप यू आर द मैन ऑफ द हाउस यार एंड यू नीड टू बी एबल टू टेल दिस टू आर यंगर जनरेशन वो बॉयज के यू यू नीड टू स्टैंड अब एंड बी लाइक अ मैन बी अ मैन टू बी एबुल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बी अ मैन टू टू डू समथिंग क्रिएटिव विद योर लाइफ बी अ मैन टू सेक्रीफाइस योर डिज़ायर्स For the woman who is there in your life, for your kids to be able to create a paradise in this world uh, for your family. Be a man to be able to uh, reach the top and have a woman in your life who can support you. So because you can't go there alone. And you know, it's not about ki, yaar, main hi karta hon, main toh, I don't care. Main bas, uh, deta this is not being a, a man. And at the same time, being a woman you know you share that success story you share that you know you your husband is going to be at times feeling down She's so like no you go ahead i believe in you you can do it i see this in you which nobody else sees yeah. how is it like i'm going to help you i'm going to support you and at the same time husband needs to do this the same with the wife i see your passion carry forward and you know nobody said it's going to be perfect True, Beautiful but eventually you you, as long as you are together you

<laughs> हाँ भी अब देखिए से बैठे मैंने को चुप कराया ना ये शेर्यार। शेर्यार। <laughs> बजी भाई बजी भाई किसी भी टॉक में जाते हैं ना बच्चे थोड़े ज़्यादा बजी, बजी भाई ऐसी कोई उन्हीं की बात से बात निकाल के कर देते हैं ना बच्चे ने कुछ बोला आपने बोला तो उन्होंने स्कूल देखे बोला क्या कहते हैं कारी साहब आए तो मैंने बोला चलें आप मुझे तो इतना खुशी हुई कि आपकी जो आ, कारी साहब है उनके साथ अच्छे मेमोरीज हैं <laughs> आप मुझे

एंड तक कुछ नहीं बोला और जाते जाते जोर से ओवेशन दिए वजी भाई को मैंने। <laughs> जाए, जाए, अच्छा, मुझे, मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मुझे पता है कि आपने जिस अंदाज में उसको बोला होगा <laughs> ना उसका जो रिएक्शन होगा <laughs> बस एक करते देखिए ऑडियंस करती है आपके 2000 हजार की ऑडियंस होती है 500 की ऑडियंस होती है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा होता है जो बोलता है कि जना की जेना की प्लीज मुझे अटेंशन दें मुझे घर पे नहीं मिलती अटेंशन <laughs> अब मुझे माओ का प्यार नहीं मिलता प्लीज मुझे प्यार दें तो जब वो मांगता है ना तो हम वाकई में फिर उसको <laughs> फिर ऑन स्टेज वो देते हैं क्योंकि देखिए उनको बताते हैं कि देखिए माइक हमारे हाथ में डोंट <laughs> आप फिर इतना देते हैं कि वो आगे किसी और पाता बट बट इट्स 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 फिर फिर वो कनेक्ट भी करता है एंड इट मेक्स द टॉक मोर नेचुरल तो वो कुछ लोग तालियाँ बजाते हैं कुछ लोग बजा के वो वो करते हैं मैं तुम लोग तारिया बजाने का शौक है ना चलो फिर तुम लोग बात कर रहे थे एक और बात में मैं कहता हूँ जी भाई बात अगेन प्रायोरिटीज की है कि अगर मिसाल के तौर पर देखने जा रहे हैं तो अगर तो आप इफ यू आर मोर कंसर्न विद वेल्थ financials, आप सिर्फ उसी के पीछे हैं एंड यू डोंट गिव मच अटेंशन टू अखलाक और किस तरह से अगले बंदे का उठना बैठना है तो अगर देखिए फाइनेंशियल्स तो ऐसी चीज़ है कि आज को है वेल्थ है कल नहीं है आज जॉब है कल नहीं है, है, कल नहीं है। uh, ये सब वैसे तो सभी अल्लाह सामाना ताली के हाथ में है लेकिन दिस समथिंग विच इज़ वेरी सब्जेक्टिव अगर आप एक क्वालिटी इंडिविजुअल के पीछे हैं उसकी तलाश में है और अल्लाह वो जमा वाली की फ़जल से आपको मिल जाता है तो कल को कोई भी हालात हो चाहे हेल्थ का मामला हो वेल्थ का मामला हो ही और शी विल बी देयर फॉर यू अनकंडीशनली यानी आप कहते हैं ना जिस इनफ्लैचुएशन की बात करते हैं कि भाई बेस्ड ऑन लुक्स या ब्यूटी उस पर जाते हैं तो वो मे बी इट माइट लास्ट फॉर फ्यू ईयर्स लेकिन अगर आप वो कहते हैं ना सूरत पर ना जाएँ सीरत पर जाएँ तो अगर तो की अच्छी सीरत मिल जाती है तो वो और वो केमिस्ट्री मैच कर जाती है तो फिर इट विल बी वो कहते हैं एवर आफ्टर देखिए अगेन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ देखिए मैं कि दे 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 एक होती है बात सुनने में अच्छी लगती है एक बात होती है कि जो रियलिस्टिक होती है जब एक बात होती है आप चॉइस की तरफ जब करने जाते हैं तो आप वो वाली सोच रखे जाते हैं देखिए इंसान का अच्छा दिखना और प्लीजिंग टू दी आई होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको उसको आंखों की बात करते हैं कि सामने वाला कितना अखलाकियात में हो सामने वाला कितना सवाल दूसरे की तरफ भी आता है कि यार मैं कितना देने के लिए तैयार बिल्कुल हम बहुत सी दफा जब शादी करने के लिए एक पावस को देखने जाते हैं तो उससे पहले हमें ये सवाल भी उठना चाहिए कि यार हाउ मच एम आई विलिंग टू इन्वेस्ट एंड पुट इन दिस मैरिज क्या मैं सिर्फ डिमांड कर रहा हूं कि वाई कम टू अ पॉइंट आपकी फाइनेंशियल मसदे इस तरह से आए कि वो आप करें वाई आर वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द अदर पर्सन हैज सफर इन योर सफरिंग ठीक है वाई नॉट थिंक अबाउट मेकिंग पार्ट ऑफ यू नो यू मेकिंग दैट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ योर हैप्पीनेस कि आई वुल क्रिएट दैट हैपीनेस फॉर दैट इंडिविजुअल ये जब आप किसी को मोहब्बत देते हैं रिस्पेक्ट देते हैं आप उसको इमोशनल सपोर्ट देते हैं आप उसका उसकी बैकबोन बनते हैं जो इंसान अंदर से अच्छा होगा ना वो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली जिसको नहीं करना जिसकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी नहीं है वो किसी भी तरह से फिर आपको नहीं करेगा और वो आपको पता चल जाएगा देखिए जो आपकी ज़िंदगी में आपको आपके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि शायद सोसाइटी की मजबूरी है माँ बाप की मजबूरी है आप उसको ज़्यादा अरसे नहीं लेके चल सकते चाहे आप जितना कोशिश करें देर इज नो पर्सन इवन जो बेहतरीन से बेहतरीन लोग हैं वो लेके नहीं चल सकते अगर उनमें वो चीज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है टू बी एबल टू लुक एट थिंग्स फ्राम योर पॉइंट ऑफ व्यू एट टाइम्स टू वॉक इन योर योर शूज़ क्योंकि अगर वो बहुत हर वक्त अपनी ही कंप्लेनिंग में लगे रहेंगे अपनी ही नेगेटिविटी में लगे रहेंगे दे विल नेवर बी एबल टू गई यू नीड टू हैव इमोशनली मेच्योर इंडिविजुअल यू कॉन्ट आप कोई ऐसे को तो नहीं लेके बैठेंगे ना जो आपके लिए दर्द सर बन जाए यार कि मतलब आप कोई बच्चे को थोड़ी सामने में लिया है वो. आपने एक इमोशनल इंडिविजुअल चाहिए डिपेंडिंग कि आपकी ज़िंदगी क्या है देखिए अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अभी काम है घूमना फिरना है तो फिर आपके लिए तो इतना हाई स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए लेकिन आप और हम लोग बात करके जो बात कर रहे हैं या हम लोग जिन सर्कल की बात कर रहे हैं वो आखिरत को सामने रखे हुए हैं वो दुनिया को सामने नहीं रखे हुए तो आपकी शायद मेरी बात बहुत से लोगों को शायद अनरियलिस्टिक लगे शायद लगे क्योंकि आप और मैं हाँ एक अलग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं लेकिन आप जो बेसिक शादियों की बात करें जो अवामनास है वो बोलते हैं देखिए अच्छे ख़ानदान की हो अच्छे नसब हो तौर तरीक़ा अच्छा हो अच्छे ख़ानदान से बुरा उठना बैठने की प्रायोरिटी अच्छी हो टेस्ट अच्छा हो चीज़ों का अखिलात अच्छा हो इसी तरह से सलीके से चीज़ें हों और सकून से एक छोटा कमरा बहुत चीज़ों के सकून का बायस बन जाता है इट कैन बी फुल ऑफ बरका एज़ लॉन्ग एज पीपल आर वेलिंग टू able टू क्रिएट इट एज़ ए हेवन वरना वो बहुत बड़ा घर भी बहुत दम घुटने का मामला है पीपल डोंट टॉक टू इच अदर अच्छा तो वजह मैं इस आइडिया के कही जैसे हसन ने बात की ना कि फाइनेंशियल और उस पर देखें आ, कुछ चीज़ें होती हैं सोसाइटी की ज़रूरिया होती हैं अब एक बंदा है उसका लिविंग स्टैंडर्ड आपसे बहुत अलग है तो आप उस पर जुल्म कर रहे हो अगर आप कर रहे हो और कभी कभी ऐसा होता है कि आप शुरू शुरू में तो आ, कर देते हो लेकिन एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है का अंदाज अलग है ठीक uh -huh. है बट कम्प्लीट सैक्रीफा किसी से मान लिया uh -huh. अब देखिए किसी का लाइफ स्टाइल अलग था किसी का ऑटोमैटना अलग था और आपने टोटली देखिए अल्लाह uh -huh. के रसूल स्लौल स्लौल ने मना किया ना कि आप एक दफा देहात से अगर आप शहर की तरफ आ जाते नहीं डोंट Go back, तो ए, ए, एक आदत हो जाती है चीज़ों की चीज होती है आपने के ले आया एकदम बट फ्रॉम योर एंड जब दूसरे बंदे को रियलाइज होता है ना कि यार बोथ ऑफ दम्प्रोमाइज है वो भी अपना स्टैंडर्ड रेस कर रहा है वो भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो चीजें हो रही है हर किसी ने अपने बारे में ठीक है आ भी रहा है नहीं भी आ रहा चीजें हो रही हैं तो फिर एक चीज रहती है तो एक आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है एक इंसान के पास एक, एक एनर्जी होती, होती, एक एक होती है वो कब तक देगा True. एक पॉइंट पे पीपल आर ब्रेक डाउन दे ब्रेक डाउनोड क्लैरिफिकेशन मैं ये कर दूं मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो आप बिल्कुल ही जाए मुझे आप ये नहीं चाहिए मैं आपसे नाराज हूँ आप की तरफ देख के बॉट ड्रास्टिक चेंजवियलीफरेंस उस पर नहीं हम बात करते लेकिन ये कि जहाँ पे रूम हो कंपेटबलिटी का और क्योंकि देखें अगेन वही बात प्रायोरिटीज़ की भी होती है क्योंकि कुछ लोग ये होते हैं कि दे आर फाइनेंशियली वेल स्टेबल्ड लेकिन दे मतलब उनकी मतलब पर्सनली दे आर यानी वेरे बहुत बहुत सादे लोग होते हैं तो वो ऑब्वियसली वो मैच कर जाएंगे इफ़ नॉट अगर उनका स्टैंड लाइफ स्टैंड बहुत हाई है बहुत ही मतलब डिफरेंट किस्म की चीज़ों में वो उनके लिए नॉर्म है मतलब दे दे कांट लिव विदाउट इट तो फिर ऑब्वियसली उनके लिए

कुछ बातें होती हैं 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 किताबी बातें बातें होती Many good individuals fail in their marriages. Absolutely. बाते होती गुड इंडिविजुअल्स फेल इन वही भी किताब कुछ जैसे ऐसा कर लो तो ऐसा हो सुनने में अच्छी लगती हैं है। है। <laughs> है और बहुत हाँ ऐसा करना चाहिए लेकिन जब आप उस सिचुएशन में खुद को खुद रख के देखते हो ना तो वो उतनी रियलिस्टिक नहीं होती वो इतनी एप्लीकेबल नहीं होती जितनी वो सुनने में लग रही होती हैं तो वही आपकी बात की वो एक्सपीरियंस एक एक प्रोसेस होता है कुछ चीजें होती हैं वो हिकमत का जो वो होता है ना वो आपको उस प्रोसेस से गुजरने के बाद आते हैं उससे पहले आप जितनी किताबी बातें कर लो वो सिर्फ़ एक आपने अच्छी स्टेटमेंट्स हैं जो आपके सुनने में आपको पसंद आ रही हैं लेकिन जैसे असल चीज़ें होती हैं वो रियलिटी बहुत डिफरेंट होती हैं उन, उन बातों से नॉट डेट कि आ, आप उस, उस पर एक नेगेटिव वो रखो लेकिन आ, बहुत आपको सब्र बहुत आपको आ, एक, 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 एक एक स्लो प्रोसेस होता है इस चीज़ को लेके चलने का। अब बार बार हमें ये बात बोलते हैं ना देखिए दोनों तरफ से चीज़ होती है आप तो सब चीज़ अप्लाई करें बोले यार मैंने ये भी किया था आ, मैंने जो है क्या कहते हैं मसाला भी वही डाला था मैंने प्याज भी डाला था मैंने तड़का भी लगाया था सब कुछ किया था बोला लेकिन आपकी बिरयानी में चावल थे क्या वाइफ ने मैंने तो चावल थे ही नहीं भाई बात ये थी कि दोनों की तरफ से होगा ना आप जब एक बंदा कर ही नहीं रहा कभी कभी कह नहीं करता बंदा कभी कह बंदे को करना ही नहीं होता आप करते रहिए कैसे होगा एक बंदे से तो नहीं होता ना इट हैज टू वर्क बोथ वे इट हैज टू वर्क बोथ वे बोथ आर विलिंग टू वर्क इट आउट टू देखिए मियाँ बीवी अगर खुद से करने लगे ना तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स हो जाती हैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती हैं नहीं करना होता ना किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है ना छोटी सी बात पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो कि नहीं हल की जाती छोटी सी बात मिसाल के तौर पर बात नहीं करनी है अपने वाइफ से आप ना करें ईगो बीच में ले आए वो बात ना करना एक छोटी सी बात के ऊपर बहुत बड़ा इशू बन सकता है mm -hmm. और अगर आप बोल दे ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं चलो आपने दस दफा कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने पांच साल कॉम्प्रोमाइज कर लिया लेकिन दूसरा कभी पहला कदम ना ले तो आप एक पॉइंट पे आके बोलोगे यार वाइट इट हैोमाइज सो दैट आई फील कि इट्स नॉट जस्ट वन वे इट डजन वर्क वन वे बेहतरीन से बेहतरीन लोग बेहतरीन से बेहतरीन गुरु लोग नहीं कुछ कर पाएंगे बिकॉज मैरिज इज नॉट कंट्रोल्ड बाय वन इंडिविजुअल मैरिज इज ड्रिवन बाय टू इंडिविजुअल्स अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर बाद में मैरिजेस चले दोनों चलाने वाले हैं तो एक चीज जो दोनों से चलने वाली है वो एक कैसे चलाएगा True. सिंपल सी बात आई थिंक जहाँ तक मैं भी इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस करते हैं और इतनी डायनामिक मेरे ख्याल से हर किसी के कंडीशन और सिनेरियोस डिफरेंट होते हैं तो पर्सन टू पर्सन और हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसिस शादी के लड्डू टॉपिक रखे तुमने जरा करेलों की बात करना चाहिए <laughs> <शारे laughs> तो। पिंकी फिंगर दिखाना पिंकी फिंग <laughs> <laughs> <तिए भाड़ी> <laughs> तुम लोग इस तरह ना शो करते बात यार ये में है <laughs> द so. घर जाके बेगम से मुझे सुनने को ना मिलेगा आप जो बातें करते हैं ना बाहर ये ना मेरे सामने नहीं किया गया आप बेगम की आईडी बताएं हम आपके यूट्यूब से उनको बैन कर देंगे वो आपकी पॉडकास्ट देख ही नहीं सके अब uh, सोच रहे <laughs> मेरा बोलता कि कि वो uh, बस इट्स वेरी इजी टू टू बी एबल टू लिव अप टू इट टू नो बी पर्सन व्हिच यू सपोज टू इट्स नॉट इजी इफ इट इज इजी एवरीबडी वुड बी डूइंग इट इट्स नॉट इजी यू हैव टू मेक इट इजी करना पड़ता है कोशिश करनी पड़ती है बट अगेन मैं वापस से कहूँगा कि एक बंदे की कोशिश करने से नहीं होता दोनों की कोशिश करने से होती है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग बैटल बोथ ऑफ द माफ फाइटिंग एंड शैतान ऑलरेडी लगा हुआ है माशरा वैसे जीने नहीं देता अब uh, बच्चों की चैलेंजेस अलग होते हैं जब जिंदगी में बच्चे आना शुरू हो जाते हैं फाइनेंशियल इशूज़ अलग होते हैं दे सो मच दैट वी आर डीलिंग एंड इफ़ यू नॉट विलिंग टू टेक दैट बैटल टुगेदर दैन इट्स ऑलरेडी अ लॉस बैटल एंड एक बंदे से नहीं होगा दोनों को करना होता ये शादी करो ये हाँ कब तक भाग देखिए रनिंग अवे फ्रॉम रियालिटी इज़ नॉट अ सोल्यूशन देखिए अगर आपने हकीकत से भागे तो वो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो आ, वैक्यूम जो मैंने शुरू बात की थी वो आपको ड्रैग करेगा मैं, हो सकता है किसी की ज़िंदगी में शादी ना करके वो फ़र्क ना पड़े लेकिन अगर आपने अपने आप को अपने उस रियालिटी से अपने आप को मुँह फेरा तो वो एक पॉइंट आएगा जब आपके भाई बहन हैं उनकी अपनी ज़िंदगी होना शुरू हो जाएंगी hmm. आपकी आपके पास पैसा भी आ जाएगा लेकिन आप बोलोगे यार मतलब मुझे औलाद मुझे इस मेरी खुशी सब आपकी ज़िंदगी से माँ बाप चले जाएंगे और आप आ, इन चीज़ों को देखोगे कि एवरीबडी हैज़ देर ओन लाइफ माई फ्रेंड्स हैव देर ओन लाइफ एंड देन यू विल रियलाइज़ कि, कि जैन यार अब मेरे पास जो ज़िंदगी में शामिल करने के लिए लोग हैं वो मुझे वो नहीं लोग मिल रहे जो मुझे लेने की ज़रूरत थी hmm. तो आपको ड्रैक करना शुरू कर देता है आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियों के लिए वो एक वैम्पायर बन जाता है तो आप उस पॉइंट पे अपने आप को ला के क्यों खड़ा करना चाहते हो जहाँ अभी तो आपको नहीं लगेगा बिकॉज यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड आप बोलोगे आई हैव टू अक्वायर दिस हैव टू डू दिस है बट यू आपने सब अक्वायर कर लिया आपने बोला यार ये तो सारी चीज़ें नहीं थी ये तो मुझे कुछ और चाहिए था ज़िंदगी में ये तो सिर्फ मीन्स था अपने आप को करने के लिए बुढ़ापे का साथ होगा बहुत सारी चीज़ों का साथ होगा बुढ़ापे में आपको चीज़ें होती हैं सपोर्ट चाहिए होता है औलादी होती हैं ये सब चीज़ों को कैसे बोलोगे नहीं चाहिए तो दैट्स लाइक लिविंग इज अ फुल पैराडाइज अल्लाह ने किसी वजह से ही आपकी ज़िंदगी में हकीकत रखा हुआ है और आपको अल्लाह ताला ने मैरिज का जो असल एसेंस बताया है वो कि तुम आपस में एक दूसरे से सुकून हासिल करो अगर आपकी ज़िंदगी में मैरिज में सुकून नहीं है ना तो वो मैरिज ज़्यादा लैसे चलेगी नहीं आप बहुत ज़्यादा हो गए इससे पहले कि जाना कि तुम बोलो कि घर जाके मुझे खुदगी सुनने को मिले <laughs> 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 नहीं <ने ने> <laughs> ये बंदा कौन था जो पॉडकास्ट में आया था इतनी प्यारी प्यारी बातें प्यार अरे नो प्यारी बातें करता ही नहीं करता बट जो भी बातें करता है वो <laughs> बैक फायर ना हो बट एनी केस नहीं आई थिंक uh, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अलहमद व तआला तो बेहतरीन इंसान बनाए हमें बेहतरीन बाप बनाए बेहतरीन बेटा बनाए बेहतरीन मुनाफ़ी में शामिल ना करे कि जो बो, बोलें लिमा तक अल्लाह तफअलून जो बोलें उसको मोना करें चलिए जी लेट्स रैप इट अप मुझे भी भूख लग रही है तो कुछ खाने चले जाओ

जाकैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इस तरह के और मजीद वीडियोज पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट के साथ क्लिक ऑन द पेट्री ऑन लिंक एंड सपोर्ट अस नाउ